नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10 नवंबर 2023 और हम हैं जयपुर मोहना मंडी में और आज हम वेदी फूड कंपनी नरेंद्र भैया से जानेंगे प्याज में क्या माहौल बन रहा है, कितनी आवक देखने को मिल रही है और अचानक से तेजी आई है उसका कारण क्या है, आगे ये तेजी लंबी रहने वाली है या फिर शॉर्ट ही रहने वाली है, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं नरेंद्र भैया से ताज़ा अपडेट, क्या बाज़ार खुला है, कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामना पहले। भाई साहब धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, सबकी सब किसान भाइयों को, व्यापारियों को, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन मंगल में हो। आपका भी सर। ओके, तो सर बात करते हैं प्याज की, तो आज क्या बाजार खुला है? प्याज के अंदर कल से भी दो तीन बार टाइट बाजार है। अच्छा जी सर। हाँ जी हाँ जी, कल जो माल 45-44 के बिके थे आज वो 47-48 के बिके हैं। मोटे माल जो माल बढ़िया सुपर थे मंडी के मासागौर ने लिए वो 47-48 के बिके। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कल से आज तेजी का माहौल है सर। आज जो कल बाजार 40-45 था, 46-47 भी बिके थे, आज वो और 2 रुपए टाइट बिके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुनने में आया 50 रुपए बिका एक लाट। अच्छा जी, आज लेकिन एक लाट बिका मंडी 50, वो तो कोई भाव नहीं है सर। आज ज्यादातर माल, आज मोटे माल जो कम से कम 20 लाट बिके होंगे 47-48 रुपए। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, और एक एवरेज भाव 40-45, एवरेज भाव 40-45, मीडियम जो मीडियम उल्टा आता है 35-40 रुपए। बिल्कुल सर, 35 नीचे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और सर पुराने वाले प्याज की बात करें तो वही 42-45 रुपए, 42-45, उसमें 1-2 रुपए तेज है। अच्छा जी अच्छा। आवक की बात करें, आवक कितनी है? आवक पुराने माल की 3 गाड़ियां हैं और नए माल की 8 से 9 हजार कट्टा है। आज 8 से 9 हजार कट्टे हो गए सर? हाँ जी, कोटा कोटा के 5 हजार कट्टे। अच्छा जी सर। हाँ जी हाँ जी, और अलवर के भी हैं? अलवर के 2.5 से 3 हजार कट्टा है और 2 कैंटर उसके नीमच के, नीमच के भी आए। आज आप वाली इसमें बेल्ट में नीमच का माल भी बहुत ज्यादा है सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, 2 ही गाड़ियाँ कल की, कोई बैलेंस में आई उनकी गिनती नहीं होती, उतरती वो। हाँ जी बोलो। हाँ तो सर कुछ कह रहे थे, नीमच की जो प्याज आ रही है वो क्वालिटी थोड़ी 19 है। अच्छा, वो बिकी है 3500 से 4200। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, अलवर की प्याज बिकी है जी आज 3800 से लेके ऊपर में 4850 रुपए तक। बिल्कुल, जो एक लाट हमारी दुकान में कल आया 4300 रुपए किलो बिका था, आज वो लाट होता तो किसान का 4850 मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी साइज है। हाँ जी, वो किसान कल भरेगा। बिल्कुल सर। तो सर ये जो माहौल बन रहा है, ये अचानक से 2-3 रुपए, 2-3 दिन के त्यौहार की छुट्टी है तो डिमांड फुल है। अच्छा जी। हाँ जी, 2-3 दिन का त्यौहार है तो छुट्टियाँ है मंडियों की, उस पर क्या डिमांड पूरी है। आज 8-9 हजार इकट्ठा होने के बावजूद भी 2-3 रुपए तेजी है आज बाजार। बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, और ग्राहक की कैसी है सर बाजार? ग्राहक फुल बढ़िया है सर। फुल है जी फुल, आलू प्याज लहसुन हर चीज में ग्राहक फुल है। बिल्कुल, क्योंकि आगे 2-3 दिन छुट्टियां रहने वाली हैं तो सर। हाँ जी हाँ जी, आप आज आलू में भी देख लो बढ़िया लोट, हमने आज मैंने 1 लोट 10.5-11 के बेचा है। बिल्कुल, 2 लोट जो 9-9.5-10 रुपए बिक रहे थे बढ़िया माल, आज क्वालिटी वाले सब में तेजी, आलू में भी 1 रुपए की तेजी आज। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर जैसे अभी NCCF का माल नहीं आ रहा था, तीन गाड़ियां बता रहे हैं, दो चोपड़े हैं व्यापारी की, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि कहीं भाव और ऊपर ना चले जाए। सरकार रोक नहीं सकती इसमें। बिल्कुल, ये कच्चा प्याज है, 2 दिन से ऊपर रुकेगा नहीं, 30 दिन इसमें किला जाना चालू हो जाएगा। किसान इस समय मैं एक ही बात कहता हूँ, किसानों को घबराहट नहीं करनी चाहिए, अपने पास 1.5 महीना खुला है, 1.5 महीने कहीं बाजार नहीं टूटेगा। वही बात है, 5 बढ़ते 5 टूटते हैं, उसे टूटना नहीं कहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज त्योहार के ऊपर बिक्री फास्ट है, मंडियों में आओगे ज्यादा ग्राहक फास्ट है, 5 रुपए टाइट भी हो गया, 5 रुपए टूट भी गए तो उसे टूटना नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बाजार रहेंगे 30 रुपए से 40 रुपए के बाजार कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे आपको, 1.5 महीने से कम पहले नहीं बिकेगा, कम और ऊपर भी जा सकता है अगर आवक कम रही तो। सर देखो डिमांड ज्यादा बन रही तो आगे बढ़ेगी, लेकिन वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि पुराना माल एंडिंग की तरफ है, पुराना माल खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक ग्राहक नए पे ही पड़ेगा। बिल्कुल, नए माल में क्वालिटी जैसी आएगी वो वैसे ही बिकेंगे, बढ़िया माल अपने भाव बिकेंगे। कोई प्याज बिक रहा है 50 रुपए किलो, कोई प्याज बिक रहा है 35 रुपए किलो, तो क्वालिटी का बहुत डिफरेंट है, एक उल्टा प्याज आ रहा है एक मोटा आ रहा है। सही कहा, जो सब किसानों को वजन बढ़ाना चाहिए, साइज बढ़िया सुखा के लानी चाहिए,
उनका भाव बहुत बढ़िया मिलेगा आगे आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे भी देखा जाए तो बाजार में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कहीं भी टूटने की संभावना नहीं है, क्यों आने वाले समय में हमें और डिमांड मिलेगी। अभी जो बाहर के व्यापारी है कुल 20% आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 80% त्यौहार के बाद आने कह रहे हैं। जहाँ मंडियों में व्यापारी घुस गया बाहर का, तो मैं कह रहा हूँ प्याज का बाजार रुकेगा नहीं। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो यानी किसानों को घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आवक चाहे 2 लाख कट्टा आ जाए, उतनी डिमांड रहेगी, उतने व्यापारी आएंगे, बड़ी लोडिंग होगी, बड़ी दूर तक प्याज जाएगी हमारी। प्याज हमारी अलवर, कैरतल और महुआ, ये कोटा कोटा, इससे बेस्ट प्याज कोई से एरिया में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ निम्न 5400 प्याज आ रही है, वो भी थोड़ी क्वालिटी नहीं है, उनमें गुलटा गुलटी ज्यादा है, मोटे तो 1-2% है। और अपने माल अपने क्वालिटी है, अपना कलर है और सुखापन है, उससे बढ़िया प्याज कोई से एरिया में नहीं अभी। बिल्कुल सर, आने वाले समय में ऐसी क्वालिटी नासिक में मिलेगी, नासिक को दिसंबर के एंड में मिलेगी आपको। तो अपने पास 1.5 महीना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसान भाइयों को और सुखाओ, वजन बढ़ाओ और ग्रेडिंग करके लेके आओ, बड़ी जिसकी जैसी ग्रेडिंग उसका वैसा भाव। बिल्कुल सर, हाँ जी जी, क्योंकि अभी ये सोच रहे होंगे किसान कि यार ये भाव अच्छा है, अपना जल्दी जल्दी से कैश क्लियर कर लो। आज किसान क्या कर रहा है, 50 किलो के कट्टे में वो 2-4-5 किलो मीडियम को सो दे रहा है। वो 5 किलो मीडियम अगर निकाल लेता है तो ग्रेडिंग बढ़ गया एक खाद का। एक लोट बिकेगा उसका 50 रुपए, एक बिकेगा उसका 40 रुपए का। बिल्कुल, वो ग्रेडिंग के ऊपर, साइज के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अभी भाव कहीं नहीं टूटेंगे और आगे कुछ ना कुछ मेरे को दिखेगा और बढ़ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा बढ़ने की उम्मीद, वो तो रुझान के ऊपर दिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन घटने की संभावना कहीं भी नहीं दिखेगी और ना घटेगा। सही कह रहे हो सर। हाँ जी। और सर बात करें आलू की आज पोजीशन, तो आलू क्या? आलू की पोजीशन आज 7 रुपए से लेके 11 रुपए ऊपर में। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर जैसे ये वाला आलू है, कौन सा आलू है ये? 37-97 है जी, ये कल का बैलेंस बचा हुआ है, 8.5 रुपए का। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। अब ये सारी डेरी अभी की अपने पास 4 गाड़ियां थी, 4 गाड़ी क्लियर हो चुकी है। ये 2 गाड़ियां यहाँ पे थी और ये यहाँ पे थी। 3 पुराने की थी, 1 नए की थी। नए के सामने अभी तुलाई चालू है। अच्छा जी, अच्छा, नया आलू बिका 18-19 रुपए। तो नया सर कहीं डाउन आ गया, पहले 30-35 रुपए बिक रहा था, अचानक से फिर वो तो फसल निकलेगी मंडियों में। अभी यही आलू पुराने बिक रहे 9-10 रुपए के। बिल्कुल, इसके रुझान अभी गाग नहीं है। अच्छा जी, आने वाले 10-15 दिन में इसकी मार्केट बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये गाड़ियां 50 होगी वो 20 गाड़ियां होंगी पुराने। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो अभी माल कहाँ कहाँ से आ रहा है सर आलू वाला? ये आलू अपना आ रहा है जी, एक तो ऊना का, एक होशियारपुर और हरियाणा का, अगले 10 दिन में चालू हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। फिर अपना संभल भी आना है, यूपी में चालू हो जाएगा। आने वाले 1 महीने के अंदर सारी हर एरिया का चालू हो जाएगा, चारों तरफ से आलू शुरू हो जाएंगे सर। हर एरिया का आलू चालू हो जाएगा। और भाव भी फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। देखो जी, अब माल ज्यादा आएंगे तो बाजारों में वो भी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पुराना बैलेंस भी तो पड़ा है ना। पिछले साल से 20% आलू फालतू है। बिल्कुल बिल्कुल, फसल में। लेकिन यहाँ पिछले साल बढ़िया क्वालिटी आ रही थी, ऊना की होशियारपुर की क्वालिटी बहुत हल्की है। बिल्कुल बिल्कुल, माल हल्के आ रहे इसलिए भाव जल्दी टूट गए। सही, इतना टूटना नहीं था लेकिन हल्के माल के कारण टूट गया बाजार। बिल्कुल, अगर क्वालिटी आज पीछे भी, आज भी बरसात हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। सुबह मैंने एक 870 रुपए का आलू लिया था, वो कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन वहाँ 900 रुपए का हो गया, वही बिक गया। मैंने कैंसिल किया और 900 बिक गया, बरसात की बूंदाबांदी लगने के ऊपर भी। तो आलू में भी बढ़िया माहौल रहेगा और प्याज का तो माहौल और बढ़िया दिखने के रुझान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्याज में तो किसानों को मैं ये कहूंगा कहीं घबराने की जरूरत नहीं है और ग्रेडिंग बढ़ा के लाओ, जितनी बढ़िया ग्रेडिंग होगी उतना बढ़िया बेस्ट पैसा मिलेगा। बिल्कुल, मोटे माल के अंदर आप 2-4 किलो गट्टे में उल्टा डाल देते हो, उससे क्या ग्रेडिंग बिगड़ जाती है। सही कह रहे हो, मोटे भाव जो 50 बिगड़े होगा 45 में आता हूँ हमें, कोई भी हो 4 दाने उठा के दिखाएगा। बिल्कुल, इसमें आरती को सुननी पड़ती है। तो अपने माल को बढ़ा के सुखा के क्वालिटी बढ़ा के लाओ, साइज बढ़ा के लाओ। बिल्कुल, आने वाले समय में आज से बढ़िया रुझान दिखेंगे। सही है सर, हाँ जी। ये त्यौहार की तेजी है, आने वाले समय में ग्राहकों की रुझान तेजी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो तेजी ऑल इंडिया के व्यापारी आएंगे और डिमांड निकल गई तो भाव भी कोई सीमा नहीं है। बहुत बढ़िया सर, हाँ जी। ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जी 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, मुहाड़ा मंडी, जयपुर। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। ओके सर।